लेकिन महादेव से भी नहीं डरे। महादेव सट्टा ऐप, उसमें प्रोटेक्शन मनी 508 करोड़ रुपया लेने का आरोप छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर में है, FIR है। इससे शर्म की बात और क्या हो सकती है छत्तीसगढ़ के लिए? तो ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों को हटाना है कि नहीं? हटाना है ना। तो आने वाला 26 अप्रैल को आप सभी लोगों का बहुमूल्य वोट कमल छाप में बटन दबा के मिले। भोजराज जी प्रचंड मतों से सांसद बन के दिल्ली जाएं और नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, यही आप लोगों से आए हैं। अभी हम लोगों की सरकार का 100 दिन मुश्किल से पूरा हुआ है और सब काम साए साए हो रहा है और कांग्रेस का बाय बाय हो जा रहा है कि नहीं? सब काम साए साए हो रहा है और कांग्रेस का बाय बाय हो जा रहा है, उनको मुश्किल हो जा रहा है। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत कर दिए, 12 लाख से ज्यादा किसानों का 2 साल का बकाया दे दिए, 21 क्विंटल प्रति एकड़ में धान खरीद लिए 145 लाख मीट्रिक टन, अंतर की राशि भी दे दिए महतारी लोगों को, महतारी बंधन का एक किस्त दे दिए, 3 तारीख को फिर से इनका किस्त आ रहा है। तेंदू पत्ता 5,500 मानक बोरा में खरीदने का आदेश हो गया। वन मंत्री जी बताए हैं सारा पुराना योजना, आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह के समय जो था वो सब योजना फिर से लागू होने वाला है। रामलला दर्शन योजना भी चालू कर दिए हैं। तो सब काम साए साए हो रहा है ना, और आगे भी साए साए होगा। चुनाव के बाद भी बाकी जो मोदी की गारंटी में जो वादा है, चाहे वो 500 रुपया में गैस सिलेंडर देने का काम, चाहे भूमिहीन जो लोग हैं उनको 10,000 सहयोग रूप में देने का काम, PSC घोटाला का भी CBI जांच शुरू हो गया है, उसके दोषीदार भी बहुत जल्दी जेल के अंदर जाने वाले हैं, तो सब काम साए साए होगा। हाँ, ये कांग्रेसियों का बाय बाय हो जा रहा है, कोई चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, है कि नहीं? कोई तैयार नहीं हो रहे हैं, जबरदस्ती लड़ा रहे हैं। ये 84 लाख मका बोले मालूम है, मैं अपन बेटा पर डोकी मांगे पर जा रहे, खुद मोला दुल्हा बना दिन, बोले कि नहीं? मैं अपन बेटा पर दुल्हन मांगे पर जा रहा हूँ, खुद मोला दुल्हा बना दिन। तो क्या करेंगे कांग्रेसी लोग, कोई तैयारे नहीं हो रहे हैं तो किसी को भी खड़ा कर रहे हैं और हर जगह विरोध हो रहा है, मालूम है ना। भूपेश बघेल का रामनंद गांव में विरोध हो रहा है, बिलासपुर में भी हो रहा है, महासमुंद में हो रहा है, सब जगह विरोध हो रहा है। तो आज ये कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है, कभी भी डूब सकता है। आज जहां हम लोग जा रहे हैं, हर जगह 300-400 से लेकर 1,000, 1,200, 1,500 आज कांग्रेस छोड़ के आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे किरण देव जी को मुश्किल हो जा रहा है, अध्यक्ष जी को लगातार लाइन लगा रहे हैं कांग्रेसी लोग कि हमको भी भाजपा प्रवेश करा लीजिए, भाजपा प्रवेश करा लीजिए। बड़े बड़े लोग जगदलपुर की महापौर है ना, वो भी कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आ गई। सरपंच लोग, जिला पंचायत सदस्य लोग और सब लोग कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आ रहे हैं। तो इसीलिए पूर्व विधायक लोग आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। तो आज छत्तीसगढ़ में ही नहीं, पूरे देश में कांग्रेस का यही हाल है। तो ऐसा कांग्रेस को बिल्कुल हम लोगों को मटियामेट कर देना है। तो और ज्यादा नहीं कहते हुए, क्योंकि हम लोगों के कार्यक्रम में जाना भी है और वापस रायपुर भी जाना है, आप सब लोग जानते हैं, आप सभी लोगों से अध्यक्ष के नाते आग्रह होगा कि आप लोगों का जो भी काम, चाहे डुमान जमीन में जो किसान हैं उनका अंतर की राशि है, चाहे और भी बिजली कटौती का मामला है, चाहे जो भी मांग है, वो सब मांग साए साए होगा लोकसभा चुनाव के बाद में। आप लोग चिंता मत करिए, आप लोगों का खाली आशीर्वाद चाहिए, आप लोगों का बहुमूल्य वोट कमल छाप में चाहिए, बाकी सब आप लोगों का काम साए साए होगा। और पूरा विश्वास लेके जाए ना, इस बार इस विधानसभा क्षेत्र से भोजराज नाग जी को प्रचंड मतों से जिताएंगे। चले दोनों हाथ मुट्ठी बांध के एक बार बताइए,
बोले भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।